नहीं आ रहा, कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, कुछ के अच्छे नहीं हैं जो मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे। साथ में अकाउंट डेफिसिट बढ़ चुका है, वो भी रेड इंडिकेटर शो कर रहा है। ओवरऑल जो बैलेंस पेमेंट है वो भी एक इशू बना हुआ है। साथ में हमने ये देखा कि ट्रांजैक्शंस भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही इन टर्म्स ऑफ एनी फॉरनर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जुलाई सेप्टेम्बर का डाटा बेहतर रहा, FDI खासा बेहतर हो चुकी है, लेकिन स्टिल कैपिटल मार्केट जो है सर्वाइव कर रही है। कैपिटल मार्केट जो है मुसलसल 4 से 5 महीने हो चुके हैं, मार्केट में किसी तरह की कोई बेहतरी नहीं है। इन्वेस्टर्स अगर पैनिक सेलिंग नहीं करें तो क्या करें, उनको खतरात ये हैं कि मजीद मार्केट क्या रुहे समझते हैं पॉलिटिकल नॉइज़ पे जो तब्दीलियां नजर आ रही बहुत रही। और उसके साथ साथ जो टैक्सेशन के मामलात रहे, फेडरल बजट से पहले आपने देखा कि कैपिटल गेन टैक्स के नंबर्स को कम करने की बात की गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने वो नहीं किया और FVR ने टैक्सेशन के थ्रू उनको लेटर्स दिए, तो जो ब्रोकरेज हाउसेस के लोग हैं वो भी खास जो है परेशान रहे। और जो सबसे अहम बैकबोन समझी गई थी आपके स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को बड़ा करने के लिए, लेवरेज प्रोडक्ट नायला, वो नवंबर दिसंबर से जब से उसको मना शुरू कर दिया करना, पहले काम हो रहा था इतना नहीं हो रहा था, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम्स आपके लेवरेज ही बनाकर दे रहे थे। स्टिल हम ये देख रहे हैं कि अब तक जो है स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएट कुछ ऐसे प्रोडक्ट अनाउंस नहीं किए जा रहे जो मार्केट के लिए, ट्रेडर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहे। ठीक है, छोटे समयकार जो है